जय गौ माता, जय श्री राम। मैं सभी प्रदेशवासियों को बोलना चाहता हूं कि गौ माता के लिए पूरा प्रदेश एक होके गौ माता की सेवा करे। और देखिए, मैं खुद गौशालाओं में जाके सेवा करता हूं। मैं अपने हाथ से, बहुत सौभाग्य होता है गौ माता का, अपने हाथ से गोबर उठाना, उनको सानी देना, उनके लिए ये हरा चारा काटना। तो मैं सभी प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग गौ माता की सेवा करें, जिसको जहां भी समय मिले, जैसे भी समय मिले, दिन में हर मनुष्य को, प्रत्येक व्यक्ति को गौ माता की सेवा के लिए 2 घंटे का समय निकाले। पूरे प्रदेश में आपके पास, ये तो प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रदेशों में योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जगह जगह ब्लॉकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में गौशालाएं खोल रखी हैं। तो सभी प्रदेशवासियों से, किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, जो अपनी गाय पालते उनकी भी सेवा करें, और जो सरकारी गौशालाएं ग्रामीण क्षेत्रों में गौशालाएं, शहरी क्षेत्र में गौशालाएं, उनमें भी जाके प्रत्येक प्रदेशवासी 2-2 घंटे जाके गौ माता की सेवा करें। उधर सफाई की व्यवस्थाएं रखें, पानी की हौदी सफाई करें, और अपने हाथ से गौ माता को सानी लगा के आए। सरकार में गौशाला भूसा, हरा चारा, राता, दाना, सब चीज की व्यवस्था कर रखी है। सभी प्रदेशवासी और बच्चे और बुजुर्ग लोग, सब लोग गौशाला में जाके 2-2 घंटे गौ माता की सेवा करें। जय श्री राम, जय गौ माता। और सभी प्रदेशवासी मेरे से जुड़े, मेरे पब्लिक ऐप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, और गौ माता को कहीं पर भी प्रदेश में कोई समस्या है, तत्काल उसकी सूचना मेरे को दें। जय श्री राम।